रिमेन इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 13 फॉर बीएससी मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है एफ वी द फंक्शन। एफ कोई फंक्शन है। एफ वी द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, कोई फंक्शन है डिफाइन कर रहा है 0 एंड 1 के क्लोज इंटरवल में। वाई यानी कि फंक्शंस की डेफिनेशन से, यानी फंक्शन इस तरह से लिखा है, यानी कि वैन एक्स इज इरेशनल। अगर इरेशनल है तो वैल्यूज होगी फंक्शन की 0, एंड व्हेन एक्स इज रेशनल, अगर फंक्शन रेशनल है तो उसकी वैल्यूज होगी 1। रेशनल होने पर फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स 1 है, और इरेशनल पे वैल्यू जो है वो 0 है। कैलकुलेटिंग करना है ये एफ एंड लोअर रिमेन इंटीग्रल एंड अपर रिमेन इंटीग्रल फाइंडिंग करना है फॉर लिमिट 0 टू 1 के लिए। ठीक है, ये हमको फाइंडिंग करना है। ठीक, अब बात आती है, सॉल्यूशन लेते हैं। यानी कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। एफ इज बाउंडेड, फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शंस है। ठीक है, यानी कि जो फंक्शंस है बाउंडेड है 0 एंड 1 के बीच, 0 और 1 के बीच लाई कर रहा होगा। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच फंक्शंस लाई कर रहा है, एंड फॉर एवरी वैल्यूज के लिए एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड 1, जो क्लोज इंटरवल है 0 एंड 1 है। यानी कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है 0 एंड 1 के बीच। पी द पार्टीशन ऑफ 0 एंड 1, यहाँ पे हम कुछ पार्टीशन मान लेंगे। पी द पार्टीशन ऑफ 0 एंड 1, या पार्टीशन बिटवीन 0 एंड 1। पी द पार्टीशन बिटवीन 0 एंड 1, एंड जो सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर ऑफ पी। पी यानी कि जो पार्टीशन होंगे, हाँ, इसमें जैसे कि जो 0 एंड 1 था, यहाँ पे एक्स नोट रहा होगा, एक्स वन रहा होगा, एक्स टू रहा होगा, डॉट 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 एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर इस तरह से रहे होंगे। ठीक है, इसको एक्स एन या बी कहते हैं, और एक्स नोट या ए टू बी जो क्लोज इंटरवल होता है, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। तो बीच में कोई सब इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर। सपोज ये सब इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर, तो यहाँ पे सब, ठीक है, ये सब इंटरवल है। वी हैव एम आर इक्वल टू 0 एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यानी कि जब 0 है तो सुप्रीमम, इरेशनल है तो 0 दिया था और रेशनल पर 1 दिया था। तो क्योंकि सब इंटरवल विल कंटेन द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर के टर्म में दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में हमको जो सुप्रीमम होगा वो हायर क्वान्टिटीज ही रहा होगा। ठीक है, एम आर रहा होगा। ठीक है, तो सुप्रीमम है कैपिटल एम आर इक्वल टू 1, एंड इनफीमम यानी कि स्मॉल एम आर इक्वल टू होगा 0। ठीक है, तो ये सुप्रीमम एंड इनफीमम से वैल्यूज बना ली गई हैं। तो स्मॉल एम आर इक्वल टू होगा यहाँ पे 0, एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू होगा 1। तो निकालेंगे LPF, LPF इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर 0 है इंटू डेल्टा एक्स आर, तो मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, ऐसे ही निकाला जाएगा। यू पी एफ इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। कैपिटल एम आर की क्वांटिटीज है 1 इंटू डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर। ठीक है, तो आर इक्वल टू 1 to n रखेंगे तो डेल्टा एक्स आर की जो क्वांटिटीज़ हैं सोल्व होने के बाद क्या आ जाती हैं, 1 आ जाएंगी। देखिएगा 1 कैसे आएंगी, आर इक्वल टू 1 डेल्टा एक्स आर में, यानी कि एक्स आर डेल्टा एक्स आर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस का एक्स नॉट, इस तरह से ये क्वांटिटीज बनेंगी, और लास्ट में होगा एक्स एन। ठीक है, तो एक्स एन 1 बचेगा, बाकी और क्वांटिटीज कैंसिल हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से देखिएगा एक्स वन माइनस का एक्स नॉट प्लस का एक्स टू माइनस का एक्स वन, तो ये सब कैंसिल होता चला जाएगा। तो एक्स नॉट क्या है, 0 है, स्टार्टिंग वाली 0 है, तो लास्ट में भी बचेगा एक्स एन माइनस का एक्स एन माइनस 1, तो एक्स एन बच जाएगा, क्वांटिटीज़ बाकी कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स वन एक्स एन बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 0 और ये 1 है तो बचेगा 1, क्योंकि एक्स एन जो है वो एक्स एन क्या है, एक्स एन है 1, एक्स एन को बी इंटरवल में मान के दिखा रखा है, और वही क्वांटिटीज 1 है।
ठीक है, तो एक्स एन इक्वल टू है यहाँ पे हमारे पास 1, तो यू पी एफ इक्वल टू आ गया है, हाँ यू पी एफ इक्वल टू 1 एंड एल पी एफ इक्वल टू 0। अरे यार बड़ी मुसीबत। हाँ, यू पी एफ एंड एल पी एफ की क्वांटिटीज निकल चुकी है, अब लेना है लोअर रिमेन इंटीग्रल एंड अपर रिमेन इंटीग्रल्स। तो जैसे कि लोअर के लिए है एफ इक्वल टू होता है लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट लोअर रिमेन इंटीग्रल 0 to 1, तो ये हो जाएगा एल पी एफ। ठीक है, तो एल पी एफ हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 रखी जाएगी तो टोटल ऑफ क्वांटिटी 0 आ जाएगी। ऐसे ही अपर रिमेन इंटीग्रेशन एफ इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू पी एफ, इसकी क्वांटिटी 1 है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे यू पी एफ एल पी एफ के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, यानी यू पी एफ नॉट इक्वल टू एल पी एफ, तो ये रिमेन इंटीग्रल नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए रिमेन इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इस टाइप में अगर एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाए इसी को लेके, इसी पर गिव एन एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, विच इज नॉट आर इंटीग्रेबल, आवर ऑफ क्लोज इंटरवल 0 एंड 1, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन हो सकता है जो अभी किया है, यानी कि नॉट रिमेन इंटीग्रल है, नॉट रिमेन इंटीग्रल्स है। ठीक है, तो या एक और एग्जांपल ये भी बन सकता है, अनदर एग्जांपल अगर लेते हैं तो 1 एंड -1, जब एक्स इज रेशनल, एक्स रेशनल है तो 1 वैल्यूज बने, और एक्स इज इरेशनल है, एक्स इज इरेशनल, ठीक है इरेशनल है तो -1 बने, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन एफ इज़ बाउंडेड, यहाँ पे भी बाउंडेड है 0 एंड 1 के बीच। ठीक है, तो फंक्शन 0 एंड 1 के बीच ही बाउंडेड है। अब यहाँ पे क्या माना जाएगा, पी द पार्टीशन, पी इज एनी पार्टीशन ऑफ 0 एंड 1 के बीच लाई कर रहा हुआ, एंड सब इंटरवल पी इज पार्टीशन, पी इज पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 एंड 1 एंड सब इंटरवल, सब इंटरवल एक्स आर -1 एंड एक्स आर, ठीक है ओ पी, एंड स्मॉल एम आर इक्वल टू -1 हो जाएगा एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू होगा +1। स्मॉल एम आर -1 एंड कैपिटल एम आर +1, ऐसे एल पी एफ निकालेंगे तो समीशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n -1 इंटू डेल्टा एक्स आर इक्वल टू -1 आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर की क्वांटिटी आर इक्वल टू 1 to n में, हाँ क्योंकि इंटरवल 0 to 1 है, और इसमें क्वांटिटी निकालेंगे तो आती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ -1, क्योंकि डेल्टा एक्स आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आर, यहाँ पे जो इंटरवल लिए जाएंगे जैसे कि 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, यानी एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस का एक्स टू माइनस एक्स थ्री, इस तरह से निकालें, डेल्टा जो होगा वो एक्स टू माइनस का एक्स वन, इस तरह से आएगा एक्स वन माइनस का एक्स नोट, एक्स नोट तो 0 है, एक्स वन माइनस का एक्स नोट किस लिए 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, एक्स टू माइनस का एक्स वन डोट 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 डोट, इस तरह से आएगा लास्ट में एक्स एन, यानी कि 1 बचेगा, बाकी एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं, बाकी एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली बचेगा 1। ठीक है, तो एल पी एफ इक्वल टू आ जाएगा -1, ऐसे ही लेना है यू पी एफ, यू पी एफ इक्वल होगा समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, कैपिटल एम आर की जो क्वांटिटीज है वो है हमारे पास 1 इंटू डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर हो जाए 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यू पी एफ, यू पी एफ इक्वल टू हो जाएगा यू पी एफ, यू पी एफ इक्वल टू हो जाएगा +1। ठीक है, तो यू पी एफ की जो वैल्यूज है वो आ जाएगा +10।
यूपीएफ इक्वल टू 1, ठीक है, एंड एलपीएफ आ चुका है -1, ठीक है। अब हमको लेना है रिमेन इंटीग्रल 01 एफडीएक्स, ठीक है, एंड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें एलपीएफ हो जाएगा, एलपीएफ की वैल्यू से -1, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे अपर रिमेन इंटीग्रल 01 एफ, ठीक है, डीएक्स नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, एंड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूपीएफ, तो ये क्वांटिटीज है 1, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि लोअर रिमेन इंटीग्रल नॉट इक्वल टू अपर रिमेन इंटीग्रल, देन फंक्शन इज नॉट रिमेन इंटीग्रल, यानी कि नॉट आर इंटीग्रल, या फंक्शन नॉट रिमेन इंटीग्रल होगा।